दोस्तों आप भी एक हफ्ता छोड़ दीजिए चीनी का सेवन। उसके बाद में आपके शरीर में जो फायदे होंगे ना, उसे देखकर आप हैरान हो जाओगे। जी हाँ बिल्कुल, आज हम जानेंगे शुगर को त्यागने के फायदे क्या होते हैं। तो देखिए, शक्कर का मीठा स्वाद ना केवल लोगों को पसंद आता है, बल्कि कई लोग बार बार मिठाई, चाय, कॉफी और कैंडीज जैसी चीजों का स्वाद लेना पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों ने मीठा खाने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे कि चीनी से इतना प्यार सेहत के लिए नुकसानदायक भी साबित होता है, इसीलिए हमारी सेहत के लिहाज से ज़्यादा चीनी खाना ठीक नहीं है। हालांकि शरीर को मीठे के रूप में ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, लेकिन मीठे का अधिक सेवन करना लाभदायक नहीं होता है। और चीनी मतलब कि शुगर ना अधिक खाने से शरीर में कैलोरीज की मात्रा बढ़ने से ना मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। इससे क्या होता है कि मोटापे के साथ ही स्ट्रोक और हार्ट डिजीज का जोखिम भी बढ़ जाता है। इससे होता यह है कि ना रिफाइंड शुगर की वजह से मीठे के प्रति मोह बढ़ जाता है। इसीलिए अगर आप शक्कर का सेवन बंद करते हैं तो यह आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप शक्कर का सेवन पूरी तरह से बंद कर दें तो क्या होगा? लेकिन दोस्तों, उससे पहले समझते हैं अगर आप चीनी नहीं खाएंगे तो आपको क्या क्या फायदे होंगे। तो सबसे पहला फायदा है, आपके दांतों में सड़न की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। दांतों में सड़न और कैविटीज का मुख्य वजह होती है रिफाइंड शुगर। इसीलिए जब आप शक्कर खाना छोड़ देते हैं तो आपके दांत भी हमेशा स्वस्थ रहेंगे, ना ही आपके दांतों में कीड़े आएंगे, ना कैविटी की प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों, ये तो हो गया पहला फायदा। अगर हम दूसरे फायदे की और बात करें तो दोस्तों, आपका डायबिटीज कंट्रोल में रहेगा। जी हाँ, मीठा खाना कम करने से या फिर पूरी तरीके से बंद करने से ना आप मधुमेह के रोग से बचे रहेंगे। असल में चीनी में ना सैचुरेटेड फैट पाई जाती हैं, जो हमारे शरीर को शुगर जैसी बीमारियों के चपेट में ले आती हैं। अगर आपको पहले से ही मधुमेह है तो ऐसे में तो दोस्तों शायद आप जो है ना मीठे से परहेज कर रहे होंगे। लेकिन अगर अभी तक आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं है और आप नहीं चाहते कि फ्यूचर में आपको ये प्रॉब्लम हो, तो इसके लिए आप ना चीनी को त्याग दें, मतलब कि इसकी मात्रा को बहुत कम कर दें। साथ में सोने से पहले मीठी चीज़ें, शरबत या फिर आइसक्रीम आदि खाना भी आप छोड़ दें, क्योंकि चीनी से ना स्ट्रेस हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं, जो कि ना अनिद्रा की वजह बन सकते हैं। ऐसे में ज़्यादा मीठा खाने से लॉन्ग टर्म में डिप्रेशन का भी खतरा रहता है। इसीलिए मीठा कम खाएंगे तो मिजाज अच्छा रहेगा। ऐसे में दोस्तों, आप कई तरह के गंभीर बीमारियों के होने से भी बचे रहेंगे। तो स्वस्थ रहने के लिए आप जो है ना सोने से पहले मीठी चीज़ें, शरबत या फिर आइसक्रीम खाना बंद कर दें। आप सोने से पहले से खा सकते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में। और हाँ, देखिए, शुगर कम करने से ना ब्लड में शुगर यानी कि ग्लूकोज का लेवल कम होता है। इससे समय पूर्व एजिंग यानी कि जो बुढ़ापा कहते हैं ना दोस्तों, बुढ़ापे की समस्या से आप बच जाते हैं। जी हाँ, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से ना होता यह है कि स्किन पर झुर्रियाँ और ढीलापन भी आ जाता है। ऐसे में जब आप चीनी को छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि ना कुछ ही समय में आप बहुत ज़्यादा पहले से यंगर लुकिंग लग रहे हैं। और अगर दोस्तों आप 40s में हैं तो आपका जो बुढ़ापा है वो काफ़ी देरी से आएगा। इसीलिए चीनी को ज़्यादा मात्रा में खाने से बचें। और ना दोस्तों, देखिए, फ्रक्टोज मतलब कि शुगर युक्त आहार लेने से ना वज़न बढ़ता है। आपने देखा होगा कि पतले लोगों का पेट भी लटकता रहता है। हाँ बिल्कुल, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो ज़्यादा मात्रा में शुगर का सेवन करते हैं। ऐसे में ना दोस्तों, चीनी का सेवन कम करने से आपके द्वारा सेवन की जाने वाली जो कैलोरीज होती है ना, उसकी मात्रा में कमी आती है। इससे शरीर का फैट बर्न होता है, जो शरीर को ऊर्जा देने के लिए होता है। इसीलिए जब आप जो है शुगर मतलब कि चीनी का सेवन कम करेंगे तो आपका वजन भी घटेगा और कम होगा, पेट भी नहीं लटकेगा। और हाँ दोस्तों, देखिए, चीनी का अधिक मात्रा में सेवन करने से ना स्कारपेनिया नामक स्थिति उत्पन्न होती है, जिसमें कि ना मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। ऐसा इसीलिए होता है दोस्तों, क्योंकि आंतरिक चीनी जो है ना हमारे शरीर में प्रोटीन को सिंथेसाइज होने से रोकती है। चीनी का कम मात्रा में सेवन करके आप अपनी मांसपेशियों को अधिक मजबूत और जवान बनाए रख सकते हैं। तो इसीलिए चीनी का सेवन छोड़ देने या फिर सबसे बड़ी फायदा ये है कि यह आपके मांसपेशियों को मजबूत रखेगा, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए जिएंगे, वो भी बिना कोई मांसपेशियां या फिर जड़ों के दर्द के। तो इसीलिए ज़्यादा चीनी खाना अवॉइड करें। और हाँ, आंतरिक मात्रा में शुगर का सेवन करने से ना मोटापे की समस्या बढ़ती है, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। और ऐसे में दोस्तों, देखिए, आहार में आंतरिक शुगर लेने से ना वजन भी बढ़ता है, तो ब्लड प्रेशर और वजन दोनों बढ़ने से हमारा हार्ट भी अनहेल्दी हो जाता है।
तो इसीलिए बेहतर है कि आंतरिक मात्रा में शुगर का सेवन हमें त्याग देना चाहिए। और हाँ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चीनी आपके दिमाग की शक्ति को भी छीन लेती है? हाँ बिल्कुल, बहुत अधिक मात्रा में जब आप चीनी का सेवन करते हैं ना, तो आपके संज्ञात्मक कार्यों में खराबी आती है और मेमोरी और प्रतिक्रियात्मक क्षमता के लिए आवश्यक प्रोटीन भी कम मात्रा में मिलते हैं, जो कि आपके दिमाग को ना शार्प नहीं रखते हैं, बल्कि आपको भूलने की बीमारी भी पैदा करने में सक्षम रहते हैं। इसीलिए अगर आप नहीं चाहते कि आपका दिमाग कमज़ोर हो, इसके बजाय दोस्तों आप चाहते हैं कि आपका दिमाग तेज़ रहे, एक्टिव रहे, तो इसके लिए ज़्यादा चीनी मत खाएँ, ठीक है? और देखिए, अधिक चीनी युक्त आहार लेने से ना फैटी लीवर की बीमारी होने की संभावना भी बहुत रहती है। चीनी की वजह से इंसुलिन बढ़ता है, जो फैट को लीवर सेल में बदलता है, और इसकी वजह से सूजन और घाव की समस्या भी हो सकती है। ऐसे में ना दोस्तों, चीनी का सेवन बंद करने से आप इस खतरे से आसानी से बच सकते हैं, मतलब कि फैटी लीवर की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, इसीलिए आप चीनी को त्याग दें। और हाँ देखिए दोस्तों, जो लोग ना अधिक मात्रा में चीनी का सेवन करते हैं ना, उनके दिल की बीमारी होने का खतरा बहुत होता है। इसके अलावा चीनी युक्त पेय पदार्थ का सेवन करने से भी दिल की बीमारी का खतरा रहता है, हार्ट अटैक का खतरा रहता है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है ना अनहेल्दी चीनी मिली हुई होती हैं, जो आपके हार्ट हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए आपको चाहिए कि आपके हार्ट, लीवर, सभी चीज़ों के लिए आप चीनी का सेवन बहुत सीमित मात्रा में करें, लेकिन बिल्कुल इसे छोड़ना आपके लिए सही नहीं रहेगा। जी हाँ, अगर आप चीनी खाना पूरी तरह से छोड़ देंगे, तो इससे आपका शरीर धीरे धीरे से इफ़ेक्ट होता है, मतलब आप स्वस्थ रहेंगे या फिर बीमार पड़ेंगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप चीनी छोड़ने के बाद कौन सी चीज़ें खा रहे हैं। दरअसल चीनी आपके शरीर में ना ग्लूकोज, मतलब कि एनर्जी, या फिर आप कह सकते हैं ऊर्जा, इसका एक अच्छा सोर्स है। अगर आप चीनी के जगह पे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाले आहार, जैसे कि चीनी के जगह पे अगर आप ओट्स, फ्रूट्स खाते हैं, इसके अलावा सब्जियां आदि खा रहे हैं, तो दोस्तों आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका शरीर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर सिंपल शुगर में बदल देता है, जिसकी ना आपको एनर्जी मिल जाती है। लेकिन अगर आप इन्हें भी नहीं खाते हैं, तो चीनी छोड़ने से 5 से 7 दिन के अंदर ना आपका ब्लड प्रेशर सामान्य से कम हो जाएगा, और ना दोस्तों ये आपके शरीर के लिए पूरी तरीके से ख़तरनाक बन जाएगा। और जब आप पूरी तरीके से चीनी छोड़ देंगे ना, तो इसकी वजह से आपके सबसे पहले सिर में दर्द होगा, थकान महसूस होगी, काफ़ी ज़्यादा सुस्ती आएगी, मांसपेशियों में दर्द होगा, और आपके पेट में भी मरोड़ होगी। और दोस्तों आपको लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तो होती ही है, तो इसीलिए देखिए आप करें बस ये कि ना पूरी तरीके से चीनी को मत छोड़ें, या तो फिर आप इसे सीमित मात्रा में खाएं, या फिर आप इसकी जगह पे ओट्स खा सकते हैं, फल, सब्जियां, या फिर वो फ्रूट जिनमें ना चीनी हो, ऐसे फ्रूट्स का सेवन करें, बस चीनी को छोड़ दें तो आपको नुकसान नहीं होगा, ठीक है? तो फ्रेंड्स, ये थे चीनी को छोड़ने से आपके शरीर पर होने वाले फ़ायदे। तो इसीलिए आप भी चीनी के जगह पे दूसरी मीठी चीज़ें खाना प्रेफर करें, और अपने आप को हेल्दी बनाएं, अपने हार्ट को हेल्दी बनाएं, इस तरीके से आप लॉन्ग लाइफ जी सकते हैं, वो भी हेल्दी।